मेरे पीछे आप पंडाल में आप देख सकते हो पंडाल काफ़ी क्रॉड में बना हुआ है, काफ़ी ज़्यादा क्रॉड सिद्धगोरा दुर्गा पूजा पंडाल अभी आपको पंडाल के अंदर जो ले चलते हैं
सप्तमी रोड में इससे भीड़ है, यहाँ पर शनि के दिन भी षष्ठी पंचमी में सप्तमी में क्या होगा। मैदान को देख सकते हो स्टॉल से भर दिया गया है, काफ़ी सारे स्टॉल दुकान वगैरह लगा हुआ है, पंडाल में बड़े बड़े झूले भी लगे हैं। देख जैसे कि गोलमोरी पूजा पंडाल में हम आ चुके हैं, जैसे कि लग रहा है उद्घाटन आज किया जा रहा है। देख सकते हो कितनी बढ़िया तरह से पंडाल को बनाया गया है। गोलमोरी सर्कस मैदान, यहाँ पे पंडाल को उद्घाटन कर दिया गया है। जैसे कि मैंने डॉक्टर अजय कुमार जी यहाँ पे आया उद्घाटन के लिए, तो चलिए आपको सीधे मैं पंडाल को एक्सप्लोर कराता हूँ, तो तब मेरे वीडियो कंटिन्यू बने रहना। तो चलिए सीधे अब लेके चले पंडाल के अंदर। सजावट यहाँ पे
पीछे आप देख सकते हो माता दुर्गा को, देख सकते हो गोलमुरी पूजा पंडाल में अभी उसका भी और पंडाल को देख सकते हो अच्छे तरीके से किया गया से बनाया गया
आप देख सकते हो हरिमनगर दुर्गा पूजा पंडाल। चलिए आपको अंदर के लिए चलते हैं। यहाँ का जो इस बार पंडाल काफ़ी अच्छी तरह से बनाया गया, आप देख सकते हो लाइटिंग सजावट से इस बार न्यू डिजाइन है, आप देख सकते हो। आप चलिए आपको ऊपर की ओर लेकर चल रहा है। इधर अच्छे से डेकोरेशन लाइटिंग किया गया है, आप देख सकते हो यहाँ पे अभी दुर्गा हमारा बैठा ही नहीं है, दिन बजे बैठा जाएगा। और इस बार की यूनिक डिजाइन से पंडाल को तैयार किया गया है, आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया तरह से पंडाल को डेकोरेशन किया गया है। ऊपर के सजावट भी बढ़िया तरह से किया गया, देख सकते हो काफ़ी अच्छा डेकोरेशन यहाँ पे किया गया। भव्य पंडाल छोटे से बनाया हुआ पंडाल काफी अच्छे से डिजाइन किया गया, आप देख सकते हो बच्चे यदि फारा और मेरे पीछे भी आप देख सकते हो पत्ते के तरह आप दिख रहे हैं, देख सकते हो आप ढोलों वगैरह सब देख सकते हो आप डिजाइन किया गया है, देख सकते काफ़ी तरह से डिजाइन यहाँ पे किया गया है, पत्ते के जैसे पंडाल लग रहा है। ये देखिए जैसे आदिवासी लोग होता है उसी तरह से पंडाल को तैयार किया गया है, देख सकते हो। आज फिर एक नए पंडाल में बाग बेड़ा तो इसी के साथ सर्वप्रथम बाग बेड़ा की सभी लड़कों से अनुरोध है।